तो क्या बिहार में अपना सीएम चाहती है बीजेपी? क्या जो महाराष्ट्र में हुआ वो अब बिहार में होगा? क्या 11 अगस्त तक बीजेपी से अलग होने वाले हैं नीतीश? आखिर नीतीश सोनिया गांधी से फोन पर क्या बात कर रहे हैं? आखिरकार नीतीश कुमार कैसे करेंगे सियासी तूफान का सामना? आरजेडी जेडीयू की बनेगी सरकार या बीजेपी कर देगी कोई बड़ा खेल सियासी गलियारों में? इस वक्त ये तमाम सवाल गूंज रहे हैं, एक एक सवाल का जवाब देंगे आपको। चल क्या रहा है बिहार में, जरा ध्यान से देखिएगा। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन में दरार की खबरों के बीच मंगलवार को अपनी पार्टी जेडीयू के सभी विधायकों और सांसदों की एक बैठक बुलाई है। बीजेपी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, जैसे कि उसने महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ किया, ये आरोप जेडीयू लगा रही है। मगर सबसे बड़ा सवाल तो ये कि नीतीश कुमार के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से फोन पर बात करने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या फिर से विपक्ष के साथ हाथ मिलाने के लिए बीजेपी का साथ छोड़ देंगे नीतीश कुमार? क्या फिर से विपक्ष यानी कि आरजेडी कांग्रेस और वामपंथी मिलकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी को सत्ता से बिहार में बेदखल कर देंगे? इन सवालों का जवाब हम आपको दें, मगर बीजेपी और नीतीश की अनबन क्यों हुई पहले आप वो जान लीजिए, फिर पूरा आंकड़ों का खेल आपको बताएंगे, कहां कैसे नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। मगर पहले ये जानिए कि नीतीश बीजेपी से अलग क्यों हो रहे हैं। कुछ बड़ी वजहों में सबसे बड़ी वजह तब सामने आई जब सीए नागरिकता कानून के पक्ष में जेडीयू नहीं था। फिर इसके बाद चिराग पासवान का मुद्दा उठा, चिराग को लेकर भी नीतीश बीजेपी से नाराज हैं। चुनाव में बीजेपी की मदद की और बीजेपी खामोश रही, जिसको लेकर वो नाराज हैं। आरसीपी सिंह का मुद्दा तो आप जानते ही हैं, जेडीयू के नेता थे, बीजेपी से करीबी हो गई, बीजेपी से बढ़ती उनकी नजदीकी नीतीश को नागवार गुजरी। जातीय जनगणना बीजेपी नहीं चाहती थी, मगर जेडीयू खुलकर मांग कर चुकी है कि जातीय जनगणना हो, इससे बीजेपी असहज है। केंद्रीय मंत्री पद को लेकर भी विवाद बीजेपी और जेडीयू में हुआ, क्योंकि नीतीश कुमार दो कैबिनेट मंत्री के पद चाहते थे, मगर मिला एक। और बीजेपी के नेता और स्पीकर विजय कुमार सिन्हा को नीतीश कुमार हटाना चाहते थे, लेकिन इसके पक्ष में बीजेपी नहीं थी। देखा जाए तो बिहार बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए विपक्ष जेडीयू के साथ आ भी सकता है, और आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। आंकड़े दिखाएं, मगर उससे पहले एक और दिलचस्प बात आपको जाननी चाहिए। जून में शिवसेना एकनाथ शिंदे के द्वारा सत्ता परिवर्तन से पहले तक 2019 में महाराष्ट्र में भी यही देखा गया था। फिलहाल बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी का कहना है ये राज्य तय करेगा कि उसके लिए सबसे अच्छा क्या है। चलिए अब देखते हैं आंकड़े कि कैसे बीजेपी के बिना नीतीश कुमार अपनी सरकार बना सकते हैं। दरअसल मौजूदा विधानसभा में आरजेडी के पास इस वक्त 79 विधायक हैं, जेडीयू के पास 45, कांग्रेस के पास 19, लेफ्ट के पास 16 और एक निर्दलीय इस महागठबंधन को समर्थन देने के लिए तैयार बताया जा रहा है। अगर साथ आ जाए तो कुल ये आंकड़ा होता है 160 का, यानी नीतीश कुमार आराम से सरकार बना सकते हैं। मगर मंगलवार को ही स्थिति साफ होगी जब विपक्षी खेमा भी अपनी बैठकें करेगा, तो क्या वाकई में बिहार में सरकार गिरने वाली है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।